ये देखिए यहाँ पर ना पूरा ये सब यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी थे सब हटा दिया है। आप देख सकते हैं झोपड़ी इनका था, ये जो आंटी है इनका झोपड़ी ये यहाँ पर था। तो कितने बजे आए ये, कितने बजे आए? सुबह ही आ रहे बेटे, सुबह ही आ रहे। कितनी है ये जेसीबी ना? नगर निगम की है। वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से नज़ारा था, यहाँ तक ना अतिक्रमण कर रहा था, मतलब झुग्गी झोपड़ी वाले रहते थे। तो यहाँ पर नगर निगम की टीम आ गई है, इसमें भर के ले जाएंगे। क्या ले जाओगे इसमें? कितने राउंड ले गए सामान? कितने राउंड? हाँ, तो इस तरह से ये डैम्पर है, इस डैम्पर में जितना भी यहाँ पर मलबा रहेगा और जो भी मतलब लकड़ी वगैरह सब कुछ। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग, क्या हालचाल है आपके? एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में आप सभी लोगों का। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह से होने वाली है। सुबह के बजे हैं 11, सभी को गुड मॉर्निंग। तो अभी यहाँ पर मैं नैनीताल रोड पर हूँ, यहाँ पर अभी नगर निगम द्वारा ना सारा अतिक्रमण हटा दिया है। तो यहाँ पर जो ये कुछ इस तरीके से था फुटपाथ में, यहाँ से पहले पेड़ थे वो यहाँ पर ना आज जेसीबी चल गई, लाइव जेसीबी चल रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पुराना पोल था, इसको भी हटा दिया है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ना पूरा ये सब यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी थे सब हटा दिया है। आप देख सकते हैं, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी यहाँ पर इतने झुग्गी झोपड़ी की। तो यहाँ पर से ये इनका पता नहीं नहाने का था क्या था, मेंटेन कर रखा था, पता नहीं कहाँ का चुकी थी। और यहाँ पर पूरा खुदाई हो रही है और पूरा इसको प्लेन करेंगे और यहाँ पर रोड चौड़ी होगी, फुटपाथ को इधर जाएगा और रोड चौड़ी करेंगे। तो जो सबसे बड़ा गंदगी था वो तो हट गया है, एक हिसाब से बढ़िया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नगर निगम की जेसी भी है यहाँ पर और इनका यहाँ पर कुछ सामान भी है, ये झुग्गी झोपड़ी वाले रहते थे और कुछ सामान तो ले गए और कुछ यहीं पर छोड़ के गए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ना प्लेन हट गया है ये, और यहाँ पर एक रोड टेढ़ा हो गया है ये पुलिस का। अभी यहाँ पर सारे पेड़ वेड़ थे ये सब काट दिए हैं यहाँ पर, यहाँ तक तो ये सिंचाई विभाग का आ गया यहाँ से। तो यहाँ जेसीबी चल गई है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो आप कहाँ पर रहते थे यहाँ पर, कहाँ पर रहते थे? यही पर। ये वाला झोपड़ी इनका था, ये जो आंटी है इनका झोपड़ी ये यहाँ पर था। तो कितने बजे आए ये, कितने बजे आए? सुबह ही आ रहे बेटे, सुबह ही आ रहे। कितने बजे? मतलब 8 बजे। 8 बजे पूरी टीम आई थी? हाँ। अच्छा, तो क्या बोला आपको पहले, सामान हटाओ नहीं? हाँ, बोला सामान हटाओ ना, हम सब भर के ले जाएंगे। तो आधा सामान तो सब बांस बल्ली पन्नी वन्नी तिरपाल सब ले गए। अच्छा, आधा नगर निगम वाले गाड़ी में भर के लेके गए। हाँ। और फिर आपका ये आपका क्या क्या सामान ले गए? हमारे तो कपड़े लिस्ते खटिया पिटिया सभी ले गए बेटा, क्या करूँ। खटिया भी उठा के ले गए? तो आप वहाँ से ले लीजिए नगर निगम से। चोट डाली उनने, लात मार मार के चोट डाली। तो आपने हटाया क्यों नहीं फिर? अब जब वो तो बोल रहे हटाती, अकेली थी और बच्चा अब आया। अच्छा अच्छा, अब आया ये लड़का। तो और बाकी लोग कहाँ गए भी, बाकी लोगों का भी सामान ले गए? लोग अपना अपना सामान संभाल रहे थे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा सब ले गए, कुछ रखा ही नहीं। ओहो, कितने लोग रहते थे आप यहाँ पर? इतने ही तो 50 आदमी। नहीं नहीं, आपके घर पे कितने लोग हैं यहाँ पर जो झुग्गी थी? इसमें? हाँ, इसमें तो 5 बच्चे। हाँ। और दो मियाँ बीवी, एक बुढ़िया। हाँ हाँ हाँ, और उसके जेवर फेवर रहते थे, बहुत आदमी रहते थे उधर। तो कहाँ चले गए वो, कहाँ चले गए? घर बैठ गए, क्या करे बेचारे, कहाँ बैठे है ये घर बैठे थोड़े। अच्छा अच्छा, तो आप कहाँ रहोगे अभी? क्या बताएं बेटा, कहीं दूर साइड रहिए, एक जहाँ ग्राउंड राउंड है ना साइड में, हाईवे के नज़दीक मत रहिए आप, तो कहीं दूर झोपड़ी उपड़ी बनाइए। तो ये इनका बैग है, तो इनका सारा सामान ना सुबह नगर निगम वाला आए और सारा हटा दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये मलबे का ढेर है जो इनका भी रहने का ये सेट फेट सारा था, तो वो यहाँ पर कुछ इस तरह से प्लेन करते हैं। आधा सामान इनका ये है, अभी जैसे भी काम कर रही है। तो आपने हटाया क्यों नहीं सामान, क्यों नहीं हटाया? सुबह कहाँ थे? हटा लिया सामान, हटा लिया। तो ये तो कह रहे हमारा कुछ सामान ले गए खट्टे हटिया। अच्छा, वो साइड से। अच्छा, तो आपका सारा सामान है यहाँ पर, तो आप दोबारा फिर यही लगाओगे या नहीं? हमारा वहाँ पे आगे है। तो आपका आगे है, आपका कहाँ पर था घर? आगे आगे है वहाँ पर। हाँ। नहीं हटा दिया, अभी आप यहीं पर लगा रहे हो दोबारा फिर?
लगाने देंगे यहाँ? अभी मत लगाइए, यहाँ से उठा देंगे ना, अभी ये रोड साफ हो रही है। आप कहीं जैसे अदर साइड लगाइए आप। तो कुछ इस तरीके से है यहाँ पर, ये सारा मलबा है इनका, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये पूरा साफ कर दिया है। हाँ सफाई तो होनी चाहिए वैसे एक हिसाब से, सही हो रहा है। और ये सारा मलबा हट जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा, यहाँ रोड चौड़े हो जाएगा, फुटपाथ उधर आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर काम चल रहा है, और वो लोग कहाँ पर बसे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये लोग ना इधर रोड पार चले गए हैं, तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। सुबह ना यहाँ पर बहुत तगड़ी कार्रवाई हुई, बहुत तगड़ी तगड़ा कर ये हुआ। तो दिखाते हैं, यहाँ पर आए हैं ये। तो क्या हुआ आपका, क्या हुआ? सुबह हटा दिया? भगा दिए सर जी। अच्छा अच्छा, तो आपको आपका सामान भी जब्त किया? सामान ले गए कोई, या आपने हटा लिया था? हटा लिया था ना। अब दोबारा कहाँ रहोगे? यहीं पर रहोगे ना? कहाँ रहेंगे, जगह है नहीं। आप ये नैनीताल रोड छोड़ के ना कहीं अदर रोड में रहिए आप, क्योंकि यहाँ पर नैनीताल रोड में जो है जितना भी ये ठेले चपाटे या जो भी अतिक्रमण है ना, वो सब हटा रहे हैं। आप ही को नहीं हटा रहे, सभी को हटा रहे हैं। हाँ, तो कहीं आप साइट में, कहीं फुटपाथ में, कहीं दूसरी जगह देखिए। गरीब आदमी की कोई नहीं सुनता जी सर जी। हाँ, तो अब क्या करें, अब क्या करें, देख सकते हैं आजकल अमीरों की सुनता। तो गाइज ये वहाँ से हटा दिया इनको, और अभी यहाँ पर आए हैं सारा सामान समेट के। अभी अभी बारिश भी होने वाली है, अब पता नहीं किस समय ये टेंट लगाएंगे। और छोटा बच्चा भी है इनका, और कुछ इस तरह से है आप देख सकते हैं। और थोड़ा सामान वहाँ पर कर रखा है। हाँ हाँ, हेलो 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 हेलो, ठीक है ना बच्चा, ठीक है? बढ़िया 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 बढ़िया। तो गाइज ना कुछ इस तरीके से यहाँ पर माहौल हो रहा है, आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ लोग ना वहाँ पर भी हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर भी शिफ्ट हो गए हैं। तो अभी यहाँ पर काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। और रोड एकदम बढ़िया हो गई है, अभी कलर वलर कर दिया है यहाँ, तो अभी सौंदर्यीकरण हो जाएगा तो बहुत बढ़िया लगेगा। तो अभी जेसीबी काम कर रही है, और यहाँ पर रोड चौड़ीकरण होगा। यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक चलता है, कुछ दुकान भी लगा देते हैं पहले। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ट्रैफिक है। तो गाइज कमेंट कीजिए और बताइए ये कैसा हुआ, और वीडियो को शेयर कीजिए। तो यहाँ पर काम चल ही रहा है अभी, और क्लियर काम चल जाएगा। क्या है ये, क्या है ये, लोहा? ये तो तोड़ दो ना, कुछ तोड़िए, इससे तोड़ दो, ऐसे तोड़ी दो। अच्छा, यहाँ खाली क्लियर करोगे बस? रोड बनेगी ना यहाँ, रोड बनेगी ना यहाँ। हाँ, तो यहाँ पर रोड बनेगी, जैसे भी काम चल रहा है, कुछ लकड़े वकड़े जो है ये हटा दिया है, और क्रैश कर देंगे। पाइप है, सीवर लाइन का पाइप है ना, तो यहाँ पर अभी पूरा साफ सफाई हो जाएगा। और आप बाकी देख ही सकते हैं, पीछे पीछे तक रोड आएगी, और वहाँ पर आपका 15.00 का टैग लगा हुआ है, हिसाब लगा हुआ है, वो ये शाम तक ना पूरा क्लियर हो जाएगा, यहाँ सफाई हो जाएगी, दो चार दिन में एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो ये नगम के कर्मचारी है, ये जेसीबी ना नगर निगम की है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से नज़ारा था, यहाँ तक ना अतिक्रमण कर रखा था, मतलब झुग्गी झोपड़ी वाले रहते थे, तो यहाँ पर ना कुछ अच्छा भी नहीं लगता था, क्योंकि इतना बढ़िया सुंदर एरिया आप देख सकते हैं, स्कूल है और सामने होटल है, तो कुछ गंदा लग रहा था। तो अभी एकदम साफ हो गया है। नगर निगम की टीम आ गई है, इसमें भर के ले जाएंगे। क्या ले जाओगे इसमें, कितने राउंड ले गए सामान, कितना राउंड? हाँ, तो इस तरह से ये डैम्पर है, इस डैम्पर में जितना भी यहाँ पर मलबा रहेगा और जो भी मतलब लकड़ी वगड़ी सब कुछ रहेगा। अच्छा, कितनी बार भर के लेके गए, कितना भर के लेके गए अभी तक? दो ट्राली। अच्छा, हटा नहीं रहे थे सामान? हटा दिया था ना। हाँ यार, गरीब लोगों का ना यार खाली क्यों ले जाना हो रहा है, हटाने दीजिए, उसके बाद करिए आप। बढ़िया है, साफ सफाई होगी है यहाँ पर। तो अभी ये सब ईटा सब ले जाओगे?
ये सब ईटा सब मेरा ब्लॉग चैनल है। हाँ आप भी बनाइए इसका, बनाइए तो ये बच्चों के खिलौने देखिए, तो ये सारा भर ले जाएंगे ना। जो कल परसों ले गए थे वो कहाँ रखा है सामान, इतना जगह है वहाँ? वो सब उधर है हमारा मीडिया। अच्छा मीडिया बताओ ये बताएगा कोई। अच्छा वो जो सामान है जो चार पाँच ट्रक कहाँ है वो? उसका कोई कहीं नहीं है, सब बेच दिया। बेच दिया कबाड़ में या ले गए वही जो इतने दिन से अतिक्रमण हो रहा है, भर भर के ले जा रहे हो आप, कहाँ रखा है वो सामान? जगह हो रही है उतना? अच्छा अच्छा तो अभी ईटा ईटा तो नहीं ले जाओगे ना, खाली ये लकड़ी गड़ी? अच्छा जितना भी कोड़ा होगा और सब ले जाएंगे। हेलो मेरा नाम है। अच्छा तो अभी ये चैनल का नाम भी बता रहे हैं, पता नहीं क्या बता रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से जितना भी कचड़ा रहेगा, लकड़ी वकड़ी रहेंगे ना, सब ये डंपर में भर के ले जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, आप देख सकते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह से अभी वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ ऐसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।